गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एडवांस फाइलम है। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेजेस। इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस उपस्थित होते हैं। आर्थ्रोपोडा एनेलिडा एंड नेमेटोडा से एडवांस फाइलम है। आर्थ्रोपोडा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इनमें बॉडी की थ्री लेयर्स पाई जाती हैं। दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ट्रूसीलोम इज प्रेजेंट। इनमें ट्रूसीलोम उपस्थित होती है। बॉडी इज सेगमेंटेड, ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, जो हाईएस्ट रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सीलोम जो है इनकी, वो हीमोसील से फिल्ड होती है। सीलोम इज फिल्ड विथ हीमोसील। स्ट्रेटेड मसल्स इनमें पाई जाती हैं। एडवांस टाइप ऑफ कैरेक्टर, डॉर्सल हार्ट पाया जाता है। ऑर्गन्स जो हैं वो सीमित होते हैं, सीलिया एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। और रेस्पिरेशन किस किस के द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा और बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है इनमें। एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन जो है इनमें ग्रीन ग्लैंड्स, कॉक्सल ग्लैंड्स और मैलबिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड होता है। सेरेब्रल गैंग्लियन उपस्थित होते हैं। सिंपल आईज प्रेजेंट होती हैं। सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, मेल फीमेल में अलग अलग होते हैं। पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है इनमें। ये एनिमल्स या तो ओवीपैरस होते हैं या ओवीपैरस होते हैं, या मतलब कि या तो अंडे देने वाले होते हैं या फिर यंग वंस को बर्थ देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डेवलपमेंट जो डायरेक्ट होता है उसमें लार्वल फॉर्म्स अनुपस्थित होती हैं और इनडायरेक्ट में लार्वल फॉर्म्स उपस्थित होती हैं। ये एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और समुद्री जीव भी होते हैं। अब आता है इनका आउटलाइन क्लासिफिकेशन। ट्राइलोमॉर्फा, कैरिसेरेटा एंड मैंडिबुलेटा, तीन सब फाइलम में इनको विभाजित किया गया है। पहला ट्राइलोमेटोमॉर्फा, कैरिसेरेटा एंड मैंडिबुलेटा। ट्राइलोमेटोमॉर्फा जो है वो सब एक्सटिंक्ट फॉर्म्स हैं, मतलब जो अभी कोई भी जीवित नहीं है। और इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? प्रोसोमा और क्रिस्टोसोमा में बॉडी डिवाइडेड है। एंटीना या श्रृंगिका प्रेजेंट है। बॉडी ओवल शेप की है या थ्री पालीदार है। जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं और इनका एग्जाम्पल है एग्नोस्टस। ये तो हो गए एक्सटिंक्ट फॉर्म। कैरिसेरेटा ये प्रिमिटिव सब फाइलम है और इसको अपन ने किस किस में डिवाइड किया है? मीरोस्टोमेटा, एरेक्नेडा और पिक्नोबोनेडा में अपन ने इसको डिवाइड किया है। मीरोस्टोमेटा का उदाहरण है लिमुलस। एरेक्नेडा के कौन कौन से नाम है ऑर्डर्स के, वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगी। डिटेल क्लासिफिकेशन आप लोगों को फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ना है। स्कॉर्पियोनेडा, स्कॉर्पियोन्स आते हैं उसमें। एरेक्नेडा, इसमें स्पाइडर्स आती हैं। पॉलीग्रेडा, इसमें इसका एग्जाम्पल है पॉलीग्रेडस। सॉलीफ्यूजा, इसमें सन स्पाइडर्स आती हैं सॉलीफ्यूजा में। एकेरिना, इसमें टिक्स और माइट्स आती हैं। पेडीपेल्पस, स्यूडो स्कॉर्पियोन। स्यूडो स्कॉर्पियोन में फॉल्स स्कॉर्पियोन्स आते हैं। और ओपिलियोनिस, इसका एग्जाम्पल है ओपिलियोनिस। नेक्स्ट आता है अपना मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा सर की कौन कौन सी क्लासेस हैं? क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया मैंडिबुलेटा की रिलेटिव क्लास है। इसमें सारे क्रस्टेशियन फॉर्म्स आते हैं। डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा का एग्जाम्पल है जूनस। काइलोपोडा, काइलोपोडा का एग्जाम्पल है स्कोलोपेड्रा। इंसेक्ट
इंसेक्टा अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लास है जिसको हम एंटोमोलॉजी में फाइलम में स्टडी करते हैं, और इसके 26 ऑर्डर्स हैं। बच्चों फर्स्ट ईयर में आप लोगों को सिर्फ क्लासेस के नाम याद रखने हैं और इनका उदाहरण याद रखना है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर्स का भी पूरा देखोगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा। इस तरह से ऑर्थोपोडा को